बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, अब बेटा बोले मोदी 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 मोदी। अरे क्या खाते हो, गोबर को चौपड़ा समझ के खाते हो कि सोचने की शक्ति खत्म हो गई आप लोगों की? वो तो दिक्कत का है, वो तो लिफाफा मिलता है ना अंदर से, पापा जी भेजते है ना, और जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, देश के संविधान से छेड़छाड़ हुई तो इनको छठी रात का दूध याद करा देंगे, दिन में तारे दिखा देंगे। ये देश इनके पाप दादाओं का नहीं है, और ये देश कोई दहेज में नहीं मिला हुआ है भाजपा रेसिस के नेताओं को। हमारे और आपके बाप दादाओं ने देश के लिए कुर्बानी दी है, खून बहाया है, पसीने बहाए हैं, उम्र कैद की सजा काटी है, काला पानी की सजा काटी है, फांसी के फंदे को चूमा है। इसमें भाजपा आरएसएस के नेताओं की तरह तरह माफी भी, डरपोक बुजदिल कायर की संता ने आज संविधान बदल देंगे। अरे सुनो एक मिनट, अरे नाना के घर से लाए थे कि मामा के घर से मोदी जी ला के दे रहे हैं 5 किलो, हमारे टैक्स का पैसा है, अगर धन्यवाद करना है। अरे सुनो दलालो, सुनो पहले, अगर मोदी जी को धन्यवाद करना है तो हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों को धन्यवाद करना चाहिए कि एक गरम चाय बेचते बेचते देश बेचने वाला प्रधानमंत्री 80,000 का मशरूम खाता है, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ पर झूठ बोलता है। अरे देश की बेटियां नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले, कोई भाई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले, कोई बाप नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KVN यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सूरत खजाना, अलशरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, Curl.fit, big neuropsychiatry hospital, and by Alimi Public School. आज दे रहे किसी को भूखा नहीं सोने दे रहे मोदी जी। मोदी जी नाना के घर से लाए थे कि मामा के घर से? अरे सुनो एक मिनट, अरे नाना के घर से लाए थे कि मामा के घर से मोदी जी ला के दे रहे हैं 5 किलो, हमारे टैक्स का पैसा है, अगर धन्यवाद करना है। अरे सुनो दलालो, सुनो पहले, अगर मोदी जी को धन्यवाद करना है तो हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों को धन्यवाद करना चाहिए कि एक गरम चाय बेचते बेचते देश बेचने वाला प्रधानमंत्री 80,000 का मशरूम खाता है, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलता है। एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो आपको दिक्कत हो रही है? 100 भाजपा का नेता है जिसका बेटा आज नेता है तब परिवारवाद नहीं है। अजीत पवार, हसन मुशरीफ, छगन भुजबल, प्रदीप सरनाइक, एक नाथ शिंदे, नारायण राणे, ये सब भ्रष्टाचार नहीं है? अरे क्या खाते हो, गोबर को चवनप्राश समझ के खाते हो कि सोचने की शक्ति खत्म हो गई आप लोगों की? इतने बेशरम हो जाओगे, हमें ये नहीं पता था। देश आप लोगों की कलई को जानता है और देश जानता है कि मीडिया सच्चाई दिखाती है। भारत आप जैसे पत्रकारों पर थूकता है, भारत इसीलिए तो थूकता है, मीडिया पर भरोसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड के सूची में लोकप्रियता अगर होती तो बेचारी है। अरे भैया, अरे सुंदर, अरे भैया, जिस आदमी की लोकप्रियता अपने घर में नहीं है, अपनी पत्नी के नजर में नहीं है, उसको विश्व की लोकप्रियता दिखा रहे हो? चिराग तले अंधेरा। अगर वो लोकप्रियता होती तो जो सदा बेन जी गले लगा लिए होते। देश के लिए त्याग तो करना। अच्छा आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले आपको? नहीं, मैं पूछता हूँ कि जो आपको न सुहागन छोड़े, ना विधवा छोड़े, ना कुमार, पूछ रहे आप सुनिए, नहीं कोई देश की बेटियां नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले, कोई भाई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले, कोई बाप नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले। जो घर के देश को भेज दिया, क्या बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा बोले मोदी 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 मोदी। अरे भैया गाड़ी को धक्के लगा के जाए, सीता का परित्याग कर दिया था राज चलाने के लिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? और एक मिनट, रामायण आपने पढ़ा है? अरे रामायण आपने तो सोचिए, बस यही बात अपने बात पे रहो आप। रामचंद्र जी ने प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग इसलिए नहीं किया था नरेंद्र मोदी की तरह, उसने प्रजा ने सवाल पूछा। एक राजा का धर्म होता है प्रजा की, हम तो कह रहे हैं हम भी प्रजा हैं, दे दीजिए नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए। दो ही आदमी देश बचा सकता है, एक नरेंद्र मोदी जी खुद इस्तीफा देकर, और दूसरी 2024 के चुनाव में देश की जनता वोट न देकर। भाइयों बहनों मित्रों, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार बस कर यार। कहा है कि हलाइन किस किया गया है मेरे संसद में? गलत चीजें होती है, को क्या भेज देंगे? कभी गले लगते हैं जाकर। कैसे करता है फ्लाइंग किस संसद में? अरे भाई कुछ वो करे, मैं उनकी तरह थोड़ी। तो आपको कैसे मालूम है फ्लाइंग किस क्या होता है? टीवी पर दिखा, क्या देखा था? टीवी पर दिखा था उनके राय को पहाड़ बनाना। स्मृति ईरानी ने 13 रुपए किलो चीनी कहा था। पूछ रहा हूँ ना भाई, आप तो पत्रकार हैं।
आप ही बोल लोगे तो फिर हम क्या बोलेंगे? हमारा हक ना है। जिस आर्टिकल 49 की बात आप कहते हैं कि आप सिर्फ पत्रकारों को ही अधिकार है, देश की जनता को कोई अधिकार नहीं है। आप मदारी के खेल दिखाओ डुगडुगी बजा के, अपने किराए का गेस्ट, किराए का ऑडियंस। अरे भाई, देश की जनता जो सुनिए, देश की जनता कहती है फिर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सत्य के साथ हूँ, दोनों झूठे हैं। कुछ चीटियां लाइन में जा रही थी, आगे वाला बोलती है मेरे पीछे दो, पीछे वाला बोलती है मेरे आगे दो, लेकिन बीच वाला कहता है क्या कह रहा कि मेरे आगे भी दो, मेरे पीछे भी दो। तो बीच वाला झूठ बोल रहा है ना, ये दोनों झूठ बोल रहा है। सुनिए, जिस प्रोग्राम में बोला गया वो 5-स्टार होटल में प्रोग्राम आयोजन होता है। आज तक की लोकप्रियता खत्म हो गई, लोग इनको रिपब्लिक भारत जैसे चैनलों को झूठ फैलाने की मशीन समझते हैं। एक गुल्लू दिखाता है चश्मा पहन के, आर पार। अरे भैया काहे की आर पार है? कॉमेडी दिखा, खा मैं खा। अब मदारी के खेल ले लो, तेल बेच रहे हो, ताबीज बेच रहे हो, लोगों को बेवकूफ समझा है क्या? प्रधानमंत्री से परिवारवाद पर डिबेट करा के देख लो, कैग की रिपोर्ट आई है उस पर डिबेट करा के देख लो, महंगाई पर कराओ, बेरोजगारी पर कराओ, तो क्या कहेंगे? अरे आप जैसे लोगों को महंगाई दिख रही है, कोई चिंता बोलते है महंगाई पे? किसी ने कुछ करा अभी तक? आपको तो दिक्कत का है, आपको तो लिफाफा मिलता है ना अंदलते, पापा जी भेजते है ना, आज जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। अगर इनकम टैक्स, अरे भाई, अगर इनकम टैक्स सीबीआई ईडी ने पत्रकारों के ऊपर छापा मारा तो देश लूटने वाले गिरोह का जो सरगना है क्या? आप लोग जो मिलकर लूटते हो उसका तो दोनों चीज खुला हुआ है, अब क्या खुलेगा? मुंह खुलवा लीजिए ना, उसका बेटा भी नेता बनने के कगार पर है, तो परिवारवाद वहाँ नहीं दिखता। अब वो जिस जमीन के लिए गया, गद्दारी किया, दादा भी गद्दारी किया, पोता भी गद्दारी कर रहा, गद्दारी पूरे खून में भरा है, तो आप उस गद्दार की बात कह रहे हैं? जैसे सुनो ना भैया, रूखा सूखा घास अगर गाय को भैंस को खिलाओगे तो फिर भी वो दूध देगा, लेकिन वही सांप अगर वही अमृत जैसा दूध पिला दोगे फिर भी वो जहर उगलेगा, तो गद्दार है कौन है? यही भाजपा वाले कहते थे कि इनके बाप दादा गले अंगले जो कि दलाली करते थे, अब क्या आपका रिश्तेदार हो गए? अब गद्दार नहीं है, आप बताओ ना। मोदी के सलाहकार कह रहे हैं नया संविधान चाहिए देश को, संविधान को बदल देना चाहिए, आर्थिक सलाहकार है मोदी के, सब कुछ पुराना हो गया। ये भगवाधारी गुंडों को कान खोल कर सुन ले, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, देश के संविधान से छेड़छाड़ हुई तो इनको छठी रात का दूध याद करा देंगे, दिन में तारे दिखा देंगे। ये देश इनके बाप दादाओं का नहीं है, और ये देश कोई दहेज में नहीं मिला हुआ है भाजपा आरएसएस के नेताओं को। हमारे और आपके बाप दादाओं ने देश के लिए कुर्बानी दी है, खून बहाया है, पसीने बहाए हैं, उम्र कैद की सजा काटी है, काला पानी की सजा काटी है, फांसी के फंदे को चूमा है। इसमें भाजपा आरएसएस के नेताओं की तरह थर ना माफी भी, डरपोक बुजदिल कायर की समता ने आज संविधान बदल देंगे। वीर सावरकर जो सलवार पहन के भाग गया हो गया अमीर, जो गोरे अंग्रेजों से माफी मांग ले हो गया वीर, जो 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनता हो गया फकर फकीर। क्या खाते हो यार, कुछ तो सोच लिया करो। सुनो, कॉमन सेंस नहीं है आप लोगों के पास, आप लोग ये नहीं सोच रहे, देश रहेगा तभी आप लोग रहेंगे। और संविधान बदलने की बात रह गई, इतनी माँ ने दूध नहीं पिलाया भाजपा आरएसएस के नेताओं को जो भारत के संविधान को बदल देंगे। हम तख्त और ताज बदल देंगे 2024 में, कान पकड़ कर गद्दी से नीचे उतार देंगे, तो संविधान बदलना दूर की बात। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केवीएन यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सूरत खजाना, अलशरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कर्ल.फिट, बिग न्यूरोसाइकेट्री हॉस्पिटल, एंड बाय अलीमी पब्लिक स्कूल।